हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का थर्ड लेसन आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है अवर होम एंड एनवायरनमेंट। तो आपको पता है होम मीन्स क्या, जहाँ पर हम रहते हैं, है ना। तो हर किसी का घर जो है अलग अलग है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए पेज नंबर ओपन करना है 51। ओके, आपके पेज नंबर 51 के ऊपर कुछ इमेज दी है इस तरीके की, है ना। देखो कुछ डिफरेंस है क्या, या फिर छः इमेज भी सेम है, ये कुछ अलग है, ये भी कुछ अलग है, ये भी कुछ अलग है, है ना। और जो डी ई एफ वाला जो है, इनको नाम दिए हैं ए बी सी डी ई एफ। हर किसी का घर अलग होता है, तो ये सारे घर हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, है ना। हर किसी का जो घर है वो अलग होता है, उनके रूफ्स अलग होते हैं, उनकी डिज़ाइन अलग होती है। तो आज हम हमारे घर के बारे में ही आज बोलने वाले हैं, ठीक है। तो ऑन द वे टू यूअर स्कूल, चलो तो आपके लिए एक प्रोजेक्ट है। तो आपको एज इट इज़, आपको जैसे पेन पेंसिल लेके बैठते थे, आपको लास्ट पीरियड में एक प्रोजेक्ट बताया है, वैसे ही एक सेकंड प्रोजेक्ट आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। ऑन द वे टू योर स्कूल और मार्केट और व्हेन यू ट्रैवल टू अनदर टाउन यू सी मेनी थिंग्स, है ना। जब भी हम स्कूल में आते हैं, स्कूल आते थे, अभी तो लॉकडाउन शुरू है ना, आपका अभी तक लॉकडाउन शुरू है। तो अगर हम किसी गांव में जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक टाउन से दूसरे टाउन जा रहे हैं, एक विलेज से दूसरे विलेज तक जा रहे हैं, तो हम जब रोड से जाते हैं तो बहुत सारी थिंग्स उसमें प्रेजेंट होती है ना। ऑब्जर्व केयरफुली द हाउसेस दैट यू सी। अच्छा मुझे एक बताओ, सारे घर एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते हैं, है ना। कोई बड़ा होता होगा, कोई छोटा है। ओके, नोट द कंस्ट्रक्शन, उसका क्या करना है, कंस्ट्रक्शन नोट करना है कि वो कैसा है। शेप, उसका शेप पता है ना आपको, कभी रेक्टेंगल होगा, कभी ट्रायंगल जैसा दिखता है, उसके शेप नोट डाउन करने हैं। बिल्डिंग मटेरियल, आपको पता है ना, बहुत मतलब किसी का घर स्लैब का होता है, किसी का घर कवेलु का होता है, तो कौन से मटेरियल से बना है वो भी मटेरियल नोट डाउन करना है। एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट हाउसेस, वो और ऐसे जो बता नहीं सकते, ऐसे बहुत सारे चीज़ें भी वहाँ पर प्रेजेंट होती है घर के ऊपर, है ना। तो आपको नोट डाउन करनी है। डू सम ऑफ द हाउसेस रिसेम्बल द स्पेसिमन शोन बिलो, अगर ये वाले सेम है क्या वो आपको दिखाना है। रिसेम्बल मीन्स क्या है, सेम, मतलब सारे हाउसेस सेम है क्या। अगर आपके कोई हाउसेस सेम दिखाई दे रहे तो उसके नेम्स लिखना है। स्पेसिमन्स मीन एग्जाम्पल्स। तो आपको प्रोजेक्ट कैसा लिख करना है, जैसे हम प्रोजेक्ट कॉपी लेते हैं, राइट साइड में आपका घर या फिर आप जहाँ पर रहते हो, आपके विलेज में रहते हो, तो उस विलेज के कुछ फ़ोटोज़ अगर कैप्चर कर सकते हो तो फ़ोटोज़, और उसके पॉइंट्स बता दिए, पॉइंट्स में क्या लिखना है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसका शेप, उसका कलर, उसकी बिल्डिंग मटेरियल कौन से बिल्डिंग से बना है, कौन से मटेरियल से बिल्डिंग बनी है, और अदर एस्पेक्ट, ठीक है। जो भी आपको उसमें लगता है वो आपको सारी चीज़ें ऐड करना है, और इस तरीके का आपका प्रोजेक्ट रेडी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट मटेरियल आर यूज फॉर अ बिल्डिंग हाउसेस, तो ये सारे जो हम अभी क्वेश्चन देख रहे हैं तो वो उस आपके प्रोजेक्ट में आने चाहिए। व्हाट मटेरियल, कौन से मटेरियल से बिल्डिंग बनी है। कंपेयर एनी टू टाइप्स ऑफ हाउसेज दैट यू सॉ एंड नोट डाउन द डिफरेंस, कोई भी दो हाउसेज के बीच में ऑब्जर्व करना है, और दो हाउसेज कैसे डिफरेंस हैं, अगर स्लैब का है तो स्लैब का, कवेलु का है तो कवेलु का, तो वो डिफरेंस कौन से है, आपने कौन से चीज़ें नोट डाउन करनी किए हैं, वही आपको लिखना है। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम हाउसेस गिव्स अस प्रोटेक्शन, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो, है ना, बहुत सारे अलग अलग हैं, तो हर जो घर है हमें प्रोटेक्ट करता है, है ना, हर घर हमें प्रोटेक्ट करता है, तो वही आपको लिखना है कौन से चीज़ें हमें प्रोटेक्ट करती है। इन व्हाट वे आर दोज आर द हाउसेस ए बी एंड सी डिफरेंट, विच ऑफ देम अपीयर्स टू बी द सेफेस्ट, देखो इस ए बी और सी में कौन से ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं हमें, और कौन सा आपको अच्छा लगता है, है ना, कौन सा हमारे लिए सेफ होगा, तो कौन सा होगा, किसी ने अगर ये कहा तो वो क्यों है वो भी लिखना है, अगर किसी ने बी कहा है तो बी क्यों है वो भी लिखना है, उसका रीज़न, अगर सी सेफ है हमारे लिए तो क्यों है उसका रीज़न हमें लिखना है वहाँ पर, ठीक है। हाँ, नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द अबव हाउसेस आर मेनली सीन इन सिटीज, अभी यहाँ पर जो इमेज दिए हैं ए बी सी डी ई एफ, इस छह इमेज में से सबसे ज़्यादा हाउसेस सिटीज़ में कौन से पाए जाते हैं वो लिखना है।
उस बॉक्स का नाम लिखना है, ठीक है। बॉक्सेस दिए हैं ना, ए बी सी डी ई एफ, विच आर सीन मेनली इन द रूरल एरियाज। तो सिटीज़ में कौन से हैं और रूरल एरियाज़ में कौन से हैं वो दिखना लिखना है। थिंक अबाउट योर ओन एनवायरमेंट एंड द क्लाइमेट देयर एंड द चूज द मोस्ट सुटेबल हाउसेज फॉर यूर सेल्फ बाय पुटिंग टिक मार्क इन द बॉक्सेस नियर द पिक्चर। तो आपके लिए यहाँ पर कौन सा अवेलेबल है आपके एनवायरमेंट में, वहाँ पर आपको क्या करना है, टिक करना है। या फिर आपका हाउस कौन सा है, इस तरीके का कौन सा है, वो आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है, ठीक है। तो चलो इसके आगे हम पढ़ेंगे, वी सॉ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस इन द पिक्चर्स। हमने बहुत तरीके के क्या दिखे हैं, हाउसेस दिखे हैं पिक्चर्स में। देयर मेन यूजेस कैन बी लिस्टेड एज फॉलो। अभी उनके यूजेस देखो, शेल्टर, शेल्टर के लिए यूज होता है। रेस्टिंग प्लेस, रेस्ट करने के लिए प्लेस है ना, मतलब अगर हम कहीं बाहर भी गए, घर के बाहर, तो सबसे पहले क्या होते हैं, घर से ही निकलते हैं और घर पे ही वापस आते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन, विंड, कोल्ड एंड द रेन्स, मतलब ये चारों चीज़ें से हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करती है ना। कीपिंग अवर सेल्फ सेफ फ्रॉम एंटी सोशल एलिमेंट्स, है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनसे भी हमें क्या करते हैं, सेव करते हैं। इसलिए होम ये सभी का रहता ही है, किसी का छोटा होगा किसी का बड़ा होगा, लेकिन वो प्रोटेक्शन देता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलो पेज पलटाओ, पेज नंबर 52। तो पेज नंबर 52 के ऊपर देखो मैप दिया है मैप किसका है, इंडिया का मैप है। फिर क्या दिया है इंडिया के मैप में, मेजर रीजन एंड टाइप्स ऑफ हाउसेस। आपको पता है ना, इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्वालिटी मीन्स बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। तो हर एक स्टेट में उनका रीजन, उनके फेस्टिवल्स अलग होते हैं, तो वैसे ही उनके घर भी अलग होते हैं। तो देखो माउंटेन जो रीजन है ऊपर साइड में, तो कैसे हाउसेस दिए हैं, इस तरीके के। उसके बाद आप देखोगे तो प्लेन्स में, देखो प्लेन्स जहाँ पर है वहाँ पर ऐसे हाउसेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। मार्शी रीजन में इस साइड वाले होते हैं। रीजन ऑफ मिडल रेनफॉल, जहाँ पर मीन्स बहुत ही बहुत नहीं मीडियम रेनफॉल जहाँ पर होता है वहाँ पर ऐसे होते हैं। रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल, इसके बाद देखो रीजन ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है वहाँ पर इस तरीके के हाउसेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे मैप के अंदर दी हुई है ना। चलो तो आगे चलते हैं हम। द अबव फिगर शोज अ मैप ऑफ इंडिया एंड द टाइप्स ऑफ हाउसेस। अभी बताया वो टाइप्स ऑफ हाउसेस हमें शो कर रहे हैं, दैट आर कॉमन इन द रिस्पेक्टिव रीजन सिंस एंशियंट टाइम, कहाँ से, पुराने ज़माने से वो अभी तक ही कॉमन है। नोट हाउ द कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ द हाउसेज चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो अभी अगर आप मैप देखोगे तो मैप में क्या दिया है, जैसे हम लो रीजन टू मीडियम रीजन में जाए तो यहाँ पर लो रीजन के हाउसेज देखो ऐसे हैं, और मीडियम रीजन के हाउसेज वहाँ पर चेंज हो गए। मतलब अगर रीजन अगर चेंज हुआ तो हाउसेज भी चेंज होते, फेस्टिवल चेंज होते, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो हमें वो क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो देखो फर्स्ट रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल, तो रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल, तो देखो हेवी रेनफॉल में ये इस तरीके के हाउसेस प्रेजेंट होते हैं। चलो नेक्स्ट रीजन ऑफ मीडियम रेनफॉल, अभी देखें रीजन ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ के घर अलग है। डेजर्ट रीजन, डेजर्ट मीन्स जिसे हम क्या कहते हैं, वारवर्ट कहते हैं, है ना। मार्शी मीन्स जहाँ पर जो दलदल है ना होती है, वो रीजन है। इसके बाद माउंटेंस, जहाँ पर माउंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट है वो माउंटेन रीजन। और प्लेन्स, प्लेन्स हम प्लेन्स को क्या कहते हैं, जिसे ग्राउंड लेवल, है ना। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग हाउसेस प्रेजेंट हैं। त्रिको नेक्स्ट ऑब्जर्व द मैप एंड द पिक्चर्स ऑफ हाउसेस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें वो मैप ऑब्जर्व करना है और उस मैप में क्या दिया है, बहुत तरीके के हाउसेस दिए हैं और कौन से रीजन में कौन सा हाउस प्रेजेंट होता है वो दिया है, ठीक है। तो ऑब्जर्व करके हमें ये बॉक्स फिलअप करना है। तो ये आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है और ये आपका टेबल नोटबुक में कंप्लीट करना है। तो देखो क्या दिया है टेबल में, पहले सीरियल नंबर, रीजन कौन सा है, रीजन पता है ना, लो रेनफॉल, हाई रेनफॉल, उसके बाद मार्शी रीजन, है ना, ऐसे है। टाइप्स, वहाँ पर कौन से टाइप का हाउस है, उसके बाद उस हाउस का शेप कौन सा है, शेप या फिर कंस्ट्रक्शन किस तरीके का है। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल, उस बिल्डिंग मटेरियल कौन से यूज़ हुए हैं, रूफ है, रूफ किस तरीके का है, और वॉल्स, रूफ मीन्स छत,
है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें इस बॉक्स में क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो उन्होंने एक एग्जांपल ऑलरेडी हमें दिया है कि प्लेन्स रीजन में क्या करना है। देखो ये बॉक्स है, प्लेन्स रीजन में कैसे है, इस तरीके के हाउसेस है ना। तो इसका रूफ देखो और इसके वॉल्स देखो। अभी हम चलेंगे टेबल्स के पास। तो टाइप कैसा है, फ्लैट रूफेड हाउस। उसका टाइप है फ्लैट रूफेड हाउस। उसका शेप कैसा था, रेक्टेंगुलर है। उसका रूफ है वुड और अर्थ का, है ना। और वॉल्स कैसे है, स्टोन और स्टोन से बनी है उनकी, उनके घर की वॉल्स। तो अभी जैसे आपको प्लेस हो गया, तो डेजर्ट में कौन सा टाइप है, डेजर्ट में कौन से हाउसेस है, उसका शेप कौन सा है, उसका रूफ किससे बना है और उसके वॉल्स किससे बने हैं, वो आपको करने हैं। जैसे डेजर्ट है, प्लेस तो हो गया ऑलरेडी, माउंटेंस है, मार्शी रीजन है, रीजन ऑफ लो रेनफॉल, रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, रीजन ऑफ मीडियम रेनफॉल। तो ऐसे बहुत सारे मैप में दिए हैं, तो आपको 5 ही लिखने हैं। एक इन्होंने दिया है तो आप जितने हैं उतने लिख सकते हैं, या फिर 5 आपको कंप्लीट करने हैं। फाइंड एंड नोट डाउन द रीजन व्हाई दिस डिफरेंसेस ऑकर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस अकॉर्डिंग टू द रीजन। हमें क्या करना है, इसका रीजन ढूंढना है। इसका रीज़न जो मैंने अभी तक वीडियो में बता दिए हैं, जब ये वीडियो स्टार्ट किया था तब भी बताया था, है ना। तो मेरे बोलने में आया है, मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, वो आपको फाइंड आउट करना है और वो रीज़न लिखना है यहाँ पर। ओके, पीपल चाइल्ड हाउसेज टू सूट द क्लाइमेट ऑफ देयर रीजन यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल। डिफरेंसेज इन द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल गिव राइज टू द डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। कैसे बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस बनते हैं। वाटर, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर आर द बेसिक नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बींग। हमारे बेसिक थिंग्स कौन से हैं, वाटर, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। सो हाउ एवर दीज नीड्स आर नॉट फुलफिल इन केस ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन देन द फॉलोइंग सिचुएशन अराइज। अगर किसी के पास होम नहीं है, या फिर किसी के पास फूड नहीं है, किसी के पास क्लॉथ नहीं है, तो नीचे कुछ हमें दिए हैं तो वो हमारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अराउंड अस वी सी मेनी पीपल हु लैक शेल्टर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास शेल्टर नहीं है, मतलब होम नहीं है खुद का। दे सीक शेल्टर एट द रोड साइड, ऑन फुटपाथ, अंडर ब्रिज, इन द टम्बल डाउन बिल्डिंग्स, इन रेलवे और बस स्टेशन एंड इवन ऑन अ ओपन ग्राउंड। आपको पता है हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, उनका शेल्टर नहीं है, तो वो फुटपाथ पे सोते हैं, कभी रोड पे सोते हैं, कभी रोड के साइड में, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी बस स्टेशन पे ऐसे सोते हैं, है ना। मेनी पीपल्स आर फोर्स्ड टू बी होमलेस बिकॉज दे हैव अ इनसफिशिएंट और नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड, है ना। तो उनके पास क्या नहीं है, होम नहीं है, उनके कुछ स्पेशल या फिर उनके कुछ बेसिक कंडीशंस है, उसके वजह से उनके कुछ प्रॉब्लम्स है, उनके वजह से उनके लिए घर नहीं है, है ना। चलो आगे, अ सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी बीइंग होमलेस इज अ सोशल प्रॉब्लम। हमारे सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है, कि उनके पास घर नहीं है, वो होमलेस है ना। That is why the government implements many scheme to provide homes to the homeless. अभी हमारे government ने क्या किए हैं, जिनके पास घर नहीं है उनको घर देना शुरू किए, है ना। मीन्स होमलेस टू होम, ऐसे government, मतलब government का एक rule है कि वो हर किसी को छत मिलना चाहिए, इसके लिए वो try करते रहते हैं, है ना। इन सम ऑफ द सिटीज गवर्नमेंट मेक्स द नाइट शेल्टर अवेलेबल टू द होम। अभी जो लोग फुटपाथ पे है, जिनका कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं रहता, तो उनके लिए भी वो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करते रहती है। ठीक है, व्हाई पीपल बिकम होमलेस। अभी कुछ लोगों के पास घर ना होने के बहुत सारे रीजन हैं, पॉवर्टी, लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, इनएडिक्वेट इनकम, उनकी इनकम अच्छी नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट, किसी के पास नौकरी नहीं होगी, फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर, कि अगर वो मेंटली या फिर फिजिकली फिट नहीं है तो वो कमा नहीं सकते, इसके वजह से भी उनके पास घर नहीं हो सकता। नेचुरल डिजास्टर, अभी पता है ना, नेचुरल डिजास्टर्स में बहुत सारे लोगों के होम्स क्या हो जाते, ख़राब हो जाते। तो ये होमलेस के कुछ बेसिक क्या है, रीजन्स हैं। ओके, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, ये आपको क्या करना है, नोटबुक में नोट डाउन करना है और वो उसका आंसर आपको लिखना है। कैसा है, कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन द अपोजिट अजीत हाउस। अजीत का एक हाउस है, अजीत नाम का लड़का है, उसके अपोजिट साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना। दैट मीन्स कॉन्स्टेंट लॉट लाउड नॉइज एंड अ लॉट ऑफ डस्ट इन द एयर।
है ना, उसके वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा साउंड और बहुत ज़्यादा एयर आती है. अजीत एंड हिज फैमिली हैव टू सफर दिस ऑल द टाइम. व्हाट कैन अजीत डू द फाइंड टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम. फिर अजीत को क्या करना चाहिए अगर उसके घर में बहुत साउंड और बहुत ही एयर आती है तो. ठीक है, उसके बाद है डू यू नो. एट टाइम पासेस ह्यूमंस वेंट टू मेकिंग सुटेबल चेंजेस इन देयर शेल्टर, है ना. जैसे जैसे टाइम एंशियंट टाइम पे हमारे हाउसेस अलग होते थे, अभी अलग है. मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे उनकी नीड्स भी चेंज होती है ह्यूमन बींग की. तो पहले देखो, पहले कहाँ पर थे, ट्रीज पे रहते थे, फिर केव्स में आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर, है ना. अभी ऐसे करके कहाँ पे शिफ्ट हुए, बिल्डिंग्स पे शिफ्ट हुए. तो ये एक चेंजेस है, ये तो ऑलरेडी आपको पता है. ओके, ट्राई दिस. विजिट अ प्लेस वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन. ओके, लिस्ट द मटेरियल दैट यू सी देयर, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोल्यूशन इन दैट एरिया. आपको क्या करना है, आपके घर के पास या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन चालू है उसके लिए वहाँ पर विजिट करनी है, और विजिट करने के बाद फिर वहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है क्या, वो आपको नोट डाउन करना है. उसके बाद मटेरियल, आपको पता है कंस्ट्रक्शन में ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, ये वाटर, ये बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है. तो फिर ब्रिक्स किससे बना है, उसका ओरिजिनल सोर्स कौन सा है, ये टेबल आपको फिलअप करना है. सीमेंट किससे बना है, लाइमस्टोन. आयरन किससे बना है, वुड, वाटर, रबर, ग्लास, या आपको जो चीज़ें दी है ना, फ्लोर टाइल, सैंड, रूफ टाइल, टीन शीट, ये आपको क्या करनी है, फिलअप करनी है. तो हर किसी का घर बना ही होगा तो आपको पता है. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जहाँ पर चलता है ये सारी चीज़ें वहाँ पर यूज़ होती हैं और वो आपको फिलअप करना है. ओके, नेक्स्ट. कंपेयर योर ओन लिस्ट विथ योर फ्रेंड लिस्ट. फिर हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपकी लिस्ट और आपके फ्रेंड की लिस्ट कंपेयर करनी है. फाइंड द ओरिजिनल सोर्सेज फ्रॉम विच कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज ऑब्टेंड एंड नोट देम इन द अबाउ चार्ट. अभी पता है ना, हर किसी का घर अलग है तो उसके कंस्ट्रक्शन का मटेरियल भी अलग होगा. इसका मतलब जो उसके ओरिजिनल सोर्सेस हैं, जैसे यहाँ पर ग्लास सैंड की ओरिजिनल मटेरियल है, तो हर किसी का भी अलग हो सकता है. तो वो क्या करना है, कंपेयर करना है और ये बॉक्स फिलअप करना है. ओके, नेक्स्ट. यूज़ द पिक्चर टू डिस्कस हाउ एनवायरमेंटल पोल्यूशन अफेक्ट अस. देखो, अ लॉन्च ऑफ लॉन्च एक्सट्रैक्टिंग सैंड, कोरिंग, फिलिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉविंग एक्सेस वाटर. तो इस जो यहाँ पर पिक्चर्स में दिखाए गए हैं, तो उसके डिसएडवांटेज आपके बुक में आपको लिखना है. ओके, क्योंकि इससे पोल्यूशन होता है. द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग ऑल द टाइम. क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. दैट इज़ वाई हाउसेज आर बींग बिल्ड इन अ लार्ज नंबर. उसके वजह से हाउसेज की ज़रूरत भी बढ़ रही है. नेचुरल रिसोर्सेज हैव टू बी यूज इन अ वेरी ग्रेट क्वान्टिटीज टू बिल्ड दीज हाउसेज. नेचुरल रिसोर्स का भी क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है. दे आर ऑब्टेन यूजिंग द मेथड लिस्टेड बिलो. दीज मेथड्स आर हार्मफुल टू द एनवायरमेंट. ये सारी मेथड, आपको पता है ना, घर बना रहे तो क्या करते हैं, बोरवेल करते हैं. तो ये बोरवेल की तो क्या करते हैं, वाटर की जो लेवल है वो नीचे नीचे जाती है. मतलब इट इज़ हार्मफुल टू द एनवायरमेंट एंड इट इज़ हार्मफुल टू अस ऑल्सो. सो एंड लीड टू द पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑल्सो कॉजेस अ नॉइज पोल्यूशन. इसके वजह से नॉइज पोल्यूशन भी होता है ना. डिगिंग ऑफ हिल्स फॉर अ कोराइंग, एक्सट्रैक्टिंग सैंड फ्रॉम सी शोर्स एंड रिवर बेड्स. ये क्या है, कुछ कॉजेस है जिससे पोल्यूशन होता है. एक्सट्रैक्टिंग स्टोन एंड अर्थ फ्रॉम द ग्राउंड, ड्रॉविंग आउट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर. अभी बताया बोरवेल का एग्जाम्पल दिया. फिलिंग ट्रीज टू क्लियर लैंड, कभी कभी लैंड क्लियर करने के लिए बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं. फिलिंग अप पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम्स, रिवर, क्रीक एंड लो लाइंग एरियाज टू रिक्लेम लैंड. ओके, नेक्स्ट. बिकॉज ऑफ ग्रोविंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मीन्स जैसे कोई अगर पुरानी चीज़ है तो उसे क्या करना है, जिसे नूतनीकरण कहते हैं. ठीक है, अर्बनाइजेशन को क्या कहते हैं, नूतनीकरण. मतलब वो वेरीफाई होता है, अपडेट होता है. लैंड विच वॉज प्रीवियसली बींग यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड सिमिलर अदर पर्पज इज नाउ बींग यूज टू बिल्ड रोड्स एंड टू रेज सेटलमेंट. उनको सेटलमेंट या फिर रोड करने के लिए बहुत सारे ट्रीज काटे जाते हैं. तो ऐसे ये सारे रीजन्स इसके हैं, ये है ना. मतलब इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट. वेन दिस लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड इज यूज
फॉर एग्रीकल्चर. ट्रीज आर फेल्ड इन ग्रेट नंबर्स एंड फॉरेस्ट आर रिड्यूस. ट्रीज कट होने से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ट्रीज कम हो रहे हैं और फॉरेस्ट भी रिड्यूस हो रहा है. एनर्जी इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल. कंस्ट्रक्शन का मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी लगती है. इट इज यूज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल टू प्रिपेयर ब्रिक्स फ्रॉम सॉइल सीमेंट फ्रॉम लाइमस्टोन, सीमेंट फ्रॉम लाइमस्टोन, ग्लास फ्रॉम सैंड एंड सो ऑन. मतलब हर किसी की वजह से एनवायरमेंट को हार्मफुल होता है ना. चलो, वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम. फिर ये एनर्जी कहाँ से आती है. इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग नेचुरल फ्यूल्स लाइक कोल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल. दिस नेचुरल फ्यूल्स कैन बी यूज ओनली वंस. ये एक ही बार यूज हो सकता है. अगर ये ख़त्म हुए, जैसे कोल है, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, अगर ये एक बार ख़त्म हुए तो वो हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है. दे गेट कंज्यूम व्हेन वी यूज देम. हमें क्या करना चाहिए, उसे कंज्यूम करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए. मोर ओवर बर्निंग दिस फ्यूल्स लीड्स टू एयर पोल्यूशन. इस की वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है. इट टेक्स लैक ऑफ एयर फॉर दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू फॉर्म इन अ नेचर. आपको पता है ना, कोल और पेट्रोलियम जैसे फॉर्म होता है तो उनको मिलियंस ईयर के बाद वो फॉर्म होके हमें कोल और पेट्रोलियम मिलता है. दैट इज वाई इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग इन टू यूज अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी. फिर हमें क्या करना चाहिए, सोलर एनर्जी यूज करनी चाहिए, है ना. इट इज यूज अदर सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, विच आर अवेलेबल इन प्लेंटी एंड विच डू नॉट कॉज द पोल्यूशन. उसके वजह से क्या नहीं होता, पोल्यूशन नहीं होता, तो वो हमें यूज करने चाहिए. दीज आर नॉन एग्जस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नॉन एग्जस्टेबल मीन्स जो अनलिमिटेड क्वांटिटी पे रहेंगे. तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड शेल्टर. सभी लिविंग चीज, लिविंग थिंग्स के लिए क्या चाहिए, शेल्टर, मतलब होम चाहिए. लाइक ह्यूमन, सम अदर लिविंग थिंग्स आल्सो बिल्ड शेल्टर यूजिंग वेरियस मटेरियल इन देयर एनवायरमेंट. आपको पता है ना, एनिमल्स का भी घर अलग है, जिसे हम हैबिटेट कहते हैं. बर्ड्स का भी घर होता है ना. तो ह्यूमन बींग, ह्यूमन लिविंग थिंग, जितने लिविंग थिंग्स हैं उनके घर होते हैं, और ये सारे लिविंग थिंग्स उनका घर खुद बनाते हैं. उनके लिए अलग अलग मटेरियल यूज़ होता है. बट लास्ट ईयर वी सॉ दैट देयर शेल्टर आर इको फ्रेंडली एंड टेम्पररी. बट उनका घर कैसे होता है, टेम्पररी होता है. मतलब अगर बहुत ज़ोर से तूफान आया तो वो उड़ भी सकता है. जैसे हम घोंसले का एग्जाम्पल ले सकते हैं. वी शुड आल्सो बी एबल टू मेक परमानेंट हाउसेज दैट हैव अ इको फ्रेंडली. फिर हमें क्या करना चाहिए, उनके उनके घर भी बचाने चाहिए. ओके, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इको फ्रेंडली हाउसेस. देखो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, मिनिमम कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कम से कम क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स यूज होता है. यूज ऑफ नॉन एग्जस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज बायोगैस, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी. ओके, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर. उसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ गार्बेज. गार्बेज का भी हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं. अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मटेरियल. जैसे आर्टिफिशियल मटेरियल कौन से है, जैसे हम यूज एंड थ्रो वाले वगैरह ग्लास यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के होते हैं एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, तो हमें वो यूज़ नहीं करना चाहिए. आर्टिफिशियल कलर्स भी नहीं यूज़ करना चाहिए ना. प्रोविजन फॉर नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन इन द हाउसेस. ओके, नेक्स्ट, डू यू नो, ये तो आपको पता ही होगा, है ना. वाटर टूरिज्म हैज़ नो नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. ये क्या है, एक ऑक्यूपेशन बन गया है. इन सम प्लेसेस देयर आर अंडर वाटर शेल्टर फॉर अ टूरिस्ट. जो लोग विजिट करने के लिए जाते हैं, जो टूरिस्ट लोग होते हैं, उनके लिए भी क्या है, ये एक प्लेस बन गया है. फ्रॉम दिस शेल्टर वी गेट अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द सी बेड एंड द अमेजिंग मैरीन लाइफ. उनके अंदर से हमें जो समुन्द्र के अंदर का नज़ारा दिखता है ना. सच शेल्टर आर ऑब्जर्व इन द कोस्टल रीजन ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. फिर ये घर कहाँ पर प्रेजेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट है. चलो, ये भी आपको आई थिंक पता ही होगा. द सिटी ऑफ मुंबई कॉम्प्रोमाइज 7 आइलैंड. कितने आइलैंड है, 7. द पोर्शन ऑफ वाटर बॉडीज बिटवीन देम वे आर फिल्ड विद स्टोन एंड अर्थ टू क्रिएट अ लैंड. लेटर सेटलमेंट, रोड एंड इंडस्ट्री वे आर डेवलप ऑन We are developed on this land because this reclaimed land is a low-lying area. तो आपको पता है यहाँ पर भी क्या होता है,
जो सेटलमेंट करने के लिए यूज़ होता है ना, वो एरिया हो सकता है, रोड हो सकता है, या फिर इंडस्ट्री के लिए ये कुछ मीन्स जिसके जिसके वजह से एनवायरनमेंट को कुछ हानि हो सकती है ना। इट इजीली गेट वाटर लॉस व्हेन देयर इज अ हेवी डाउनपोर। ओके, व्हाट वी हैव लर्नड, ओके, हमने कितने सारे चीजें सीखे हैं। वी ऑब्जर्व अ वेराइटी इन द टाइप्स ऑफ हाउसेस कंस्ट्रक्शन इन रीजन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हाउसेस आर बिल्ड टू सूट द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन, हाउसेस कौन से रीजन में कौन सा हाउस सूट होता है वो भी दिखा है। डिफरेंट मटेरियल, कौन से हाउस का मटेरियल कौन सा है वो भी दिखा है। ऑल ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर यूज टू बिल्ड अ हाउस। वी शुड बी जुडिशियस इन यूजिंग एनर्जी। इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द यूज ऑफ नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें नॉन एग्जॉस्टिबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये यूज करना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू बिल्ड इको फ्रेंडली हाउसेस। वी मस्ट टेक केयर दैट द एनवायरमेंट इज नॉट हार्म। हमें हमारी एनवायरमेंट की क्या करनी चाहिए, प्रिकॉशन लेनी चाहिए, मतलब उसे जो हार्म है, जो भी चीज़ें उसके लिए हार्म है वो नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा है ज्योग्राफी का थर्ड लेसन था। इसके बाद जो आपको एक्सरसाइज है वो आपको सॉल्व करनी है ना, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।